तो हमारी ट्रेन अभी 6 बजे की है। सो गाइस, वी आर एंटरिंग दिवा रेल स्टेशन। सो यू हैव जैक डेनियल्स की। कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ पे। वी आर रेल कनाडा के लाउंज है यहाँ पर, बिजनेस लाउंज। तो एक बार ये पोस्ट कार्ड देखते हैं। ये अंदर एक स्वेटर पहना है, उसके ऊपर एक स्वेटर, उसके ऊपर ये, और ये देखो। सो गाइस, दिस इज द ट्रेन। तो गाइस, अभी हमने चेकआउट कर लिया है अपने एयरबीएनबी से, जो इस बिल्डिंग में मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के सामने था ये। एंड ये आ गए हमारे सारे बैग्स, ये देखिए, ये सारे ट्रैवलर हमारे बैग्स हैं। अब वी आर एक्चुअली टेकिंग ट्रेन फ्रॉम मॉन्ट्रियल टू टोरंटो। सो एक बार उसको देखते हैं। सो ये हमने टिकट रिजर्व कराए थे वाया रेल के थ्रू, एंड लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस। अभी हमारी कैब आ गई है, सो उस कैब के अंदर अपना सामान लोड करेंगे। ये देखिए, ये सामान रखो जल्दी, चलो आओ। अरे कहाँ? ये रही हमारी कैब। तो इसके अंदर अभी हम सामान रखते हैं एंड फिर मिलते हैं। अभी हमने अपना सामान रख लिया है। सो हमारी ट्रेन अभी 6 बजे की है, बट हम लोग अभी टाइम हो रहा है 3:15 एंड 3:20, सो विल बी रीचिंग देयर। और वहीं पर ही देखते हैं कैसा लगता है। यू कैन सी कावासाकी निंजा खड़ी है 10R, एंड एडवेंचर नई वाली खड़ी है, KTM एडवेंचर। सो ये 1200 CC वाली है, वेरी ब्यूटीफुल बाइक। और ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इनको ये देखो क्या सुंदर बाइक। दिस इज द स्टेशन। तो है यहाँ पे देख, आज मैं आपको स्टेशन दिखाऊंगा कैसा है। वी आर एंटरिंग दिवा रेल स्टेशन। भाई ये तो कुछ काफ़ी सुंदर स्टेशन है भाई, ये तो इंडिया में तो नहीं होता भाई ऐसे स्टेशन सुंदर सुंदर से। ये देखिए, यहाँ बैगेजेस, टिकट्स एंड ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ मैकडी भी है एंड देयर वी हैव टू गो। सो गाइज, वी हैव रीच्ड वेयर रेल स्टेशन एंड दिस इज़ द स्टेशन। यहाँ पे हमने अपना सामान रख लिया है। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, दीज आर द शेड्यूल। और ये यहाँ पे टिकट काउंटर है, आई थिंक ये भी टिकट काउंटर है। एंड वहाँ सबवे, मैकडी एंड रेलवे स्टेशन आई थिंक इस साइड ही है। सो एक बार हमारी ट्रेन जो है दैट इज़ एट अराउंड 17, मतलब 5:52 पे वो आएगी और डिपार्चर होगा उसका 18:22 पर। सो दैट इज़ और ट्रैक 19 होगा उसका। सो विल बी वेटिंग फॉर अराउंड 3 घंटे ऑलमोस्ट, यहीं पर ही 3 घंटे आराम से काटेंगे और चिल, फिर टोरंटो मिलते हैं। रात को पहुंचेंगे आज 11:30 बजे। सो हम लोग गाड़ी से भी जा सकते थे, बट हमने सोचा कि ट्रेन का एक बार आनंद उठाते हैं। हाउ इज़ द ट्रेन हियर? तो आपको यहाँ पर ऐसे काउंटर्स भी मिल जाएंगे, यू कैन हैव कॉफ़ी हेयर, जस्ट जोगो जूस। सो बहुत बड़ा एरिया है, यू कैन हैव कॉफ़ी, सैलड, देन वॉट एवर यू वॉन्ट। यहाँ पे ऐसे ही सेकेंड कप कैफ़े एंड सी यहाँ पे मिल जाएगा आपको।
ये SAQ आई थिंक वाइन शॉप है। अच्छा हाँ, दिस इज यहाँ की गवर्नमेंट की वाइन शॉप है ये। नहीं, SAQ इज नॉट अ गवर्नमेंट वाइन शॉप, इट्स प्राइवेट। इधर आई यहाँ जैक डेनियल्स की ये क्या मिलती है? सो यू हैव जैक डेनियल्स की प्री ब्लेंड है। ये लेमिनेट टाइप का है जैक डेनियल्स का। ये मेरी फेवरेट है। $19 की है। हाँ, इंडिया ले जाते हैं। बड़ी सुंदर है यार ये $19 के हिसाब से। ये देखो यहाँ पे बेकरीज मैक्रोन्स कितने सारे हैं, $15। यू हैव ऑल दीज केक्स एंड एवरीथिंग। ये क्रॉसो, ये सारे लोग बहुत खाते हैं यहाँ पे ना, ये सब कुछ अटरम फटरम। ये रेलवे स्टेशन है भाई, कितना सुंदर है ये। एंड यू हैव फ्लावर शॉप एज वेल। ये बाहर जा रही है। सो दिस इज द फ्लावर शॉप। You can see कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ पे, वेरी नाइस। अगर आपको किसी के लिए लेना है यू कैन बाय हियर। ये अब हम उसी सेक्शन में आ गए जो मेन हॉल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की शॉप भी है। टिकट्स यहाँ से आप ले सकते हैं। दीज आर द रेस्टोरेंट्स। ये जैसे एयरपोर्ट पर लाउंजेस होते हैं, सो वी आर रेल कनाडा के लाउंज है यहाँ पर, बिजनेस लाउंज। सो हुएवर हैव परचेज्ड अ बिजनेस क्लास टिकट, सो एक्चुअली दे कैन गो हेयर। जैसे एयरपोर्ट लाउंजेस होते हैं, सो दे कैन सिट हेयर। एंड ये एक दिल्ली प्लेनेट रेस्टोरेंट है, फिर सबवे इज देयर, मैकडोनल्ड्स इज देयर, और डेंटिस्ट की भी शॉप है आई थिंक। एंड यू हैव ATM एज वेल। सही है, मतलब यू हैव एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट हेयर। सो यू हैव सम बुक शॉप्स, एक बार चलते हैं, लेट्स सी। ये और कैफेज हैं। आई थिंक ये कुछ ऐसा छोटा मोटा अगर आपको लेना है। यू हैव सम कार्ड्स एंड पोस्ट कार्ड्स हियर, मैग्नेट्स आर आल्सो हियर, सम डेली जो आपको यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, सो यू हैव इट। सही है, यू हैव बनाना, ग्रॉसरी वगैरह, बेगल, चीज़ बेगल एंड एवरीथिंग। सो एक बार ये पोस्ट कार्ड देखते हैं। तो एक बार मैं पूछता हूँ, पोस्ट कार्ड्स हैं टू, अच्छा मैग्नेट्स आर फॉर दिस, एंड पोस्ट कार्ड्स का आई थिंक रेट लिखा हुआ नहीं है, एक बार पूछना पड़ेगा। हाय सर, सो हाउ मच आर द पोस्ट कार्ड्स फॉर? फॉर व्हाट? फॉर द पोस्ट कार्ड। $1? तो पोस्ट कार्ड यहाँ पे $1 के हैं। कोई अच्छा लगता है तो एक बार लेते हैं। सो गाइज, हमने अभी ये एक पोस्ट कार्ड खरीदे, सो इसको हम पोस्ट करेंगे यहाँ से टू इंडिया, और देखते हैं कब तक पहुँचता है। यहाँ शू शॉप भी है भाई, सही है, शू शाइनर, दे हैव शू शाइनर आल्सो, एंड मैकडोनल्ड्स काफ़ी बड़ा है मैकडोनल्ड्स ये वाला। सो भाई देखिए, ये एक बेकरी है, ठीक है, एंड इस पे ये चॉकलेट्स बहुत इसकी फेमस होते हैं ना, ये वाली ना, यस, प्रीमियर मॉइस्चर, प्रीमियर मॉइस्चर, इन्हें छोटे छोटे सी इसकी चॉकलेट्स हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बना रखे हैं इन्होंने। ये हमारे सारे बैग्स, अब हम लेके जा रहे हैं इनको, एंड
एक जने को एक 23 किलो वाला बड़ा बैग अलाउड है और एक छोटा बैग अलाउड है, ठीक है? तो उस हिसाब से हमें जाना है। लेते हैं जी दो बैग्स साथ में। अब हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है, ये है 19 है, तो लेट्स गो। 19 प्लेटफॉर्म है हमारा, दिस इज द वन फॉर 19 आई थिंक फॉर टोरंटो, दैट साइड उधर है, उधर उधर अभी ओपन नहीं है। देखिए मर्दों पे कितना टॉर्चर होता है भाई। ये देखिए इसको दौरों चढ़ते हैं। ये बर्किनस्टॉक जो कंपनी है उसके शूज़ है बाप, ये देखो मैंने तो पहली बार देखा है। सो ये कॉक से बनता है एक्चुअली, ये वाला ना ये पूरा मटेरियल जो है ये कॉक है। सो कॉर्क को ये यूज़ करके रिसाइकिल करके बनाता है आई थिंक, और ये जर्मनी की, मेड इन जर्मनी है और है $119 की, बहुत एक्सपेंसिव है। बट हाँ ये मेरे को ये पता है कि ये बहुत दिनों तक चलती है भाई। वाले रेलवे स्टेशन के ऊपर भाई डेंटल क्लिनिक भी है, वैसा नॉर्मल क्लिनिक भी है और फिजियोथेरेपी वाला क्लिनिक भी है भाई। सो आप देख रहे हो कितनी वैल्यू है यहाँ पे इंसान की भाई, मस्त। सो ये जो ये लाइन लगी है ना, ये ट्रेन बोर्ड करने के लिए लाइन लगी है, ऐसे देख रहे हो कितना स्ट्रेंज है बट कितना अच्छा है। सो आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए यार, हर कंट्री में ट्रेन बोर्ड करने के लिए इतनी सही लाइन लगी हुई है। अभी और आगे जाके दिखाता हूँ कि कैसे क्या होगा। और इन्होंने ऐसे टैग लगाए हैं हमारे ना कि वेट वेरीफाइड, वेट किया इन्होंने और हैवी लोड का वोट लगा दिया टैग। किसी के वेरीफाई नहीं होते ना, तो वहाँ पे ही इन्होंने एक ये जैसे ये सामने है ना, तो इस पे आप वे कर सकते हो अपना लगेज, फिर वो टैग कर देंगे उसको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ना, ये लोग लगेज वेट वे करते हैं। तो हमारा ये वाला लगेज जो था ये 5 किलो ज़्यादा था, ये वाला लगेज 3 किलो ज़्यादा था। तो हमने कम पता है कैसे किया है, ये देखिए ये अंदर एक स्वेटर पहना है, उसके ऊपर एक स्वेटर, उसके ऊपर ये और ये देखो स्वेटर, जैकेट और ऊपर से कोट, ऊपर से शॉल। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना -50 हो रहा है टेम्परेचर बाहर ना, जिस हिसाब के कपड़े पहन रखे हैं इनने। वो जो वहाँ से पहले लोग जा रहे हैं ना, तो दैट इज़ फॉर बिजनेस क्लास। मैंने आपको दिखाया था ना वीआर रेल का, वहाँ पे बिजनेस क्लास लाउंज था, तो ये सारे वही लोग हैं जिनके पास बिजनेस क्लास टिकट्स हैं। तो ये सब उधर से पहले उनकी बोर्डिंग होगी, फिर उसके बाद यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट होगी। So guys, this is the train. We'll be going here. Nikita, एक बार ये बैग लेना अंदर। तो यहाँ से ये पूरा डाउनटाउन के अंडर है,
एंड यहाँ पे ये पूरा आगे डेड एंड है, यहाँ से ट्रेन वापस जाएगी. किस टाइप की ट्रेन होती है, सो यू कैन सी ऑल दीज आर द बोगी एक्चुअली. सो वेयर रेल करके इस कंपनी का नाम है एंड ये ट्रेन है, सारी एयर कंडीशन ट्रेन है. यू हैव इसके अंदर इकॉनमी क्लास एंड बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास, व्हाट यू कैन से. सो ये ट्रेन होती है, इसके अंदर आपको ये ऐसे आराम से कंफर्टेबली यू कैन गो. एंड इफ़ यू वांट टू गो दैट साइड तो ये गेट दे रखा है फॉर द कनेक्टिविटी. एंड यू हैव ये टिशू बॉक्स है इनका और ये वॉश बेसिन है. यहाँ सोप दे रखा है, यहाँ पे आप अपना लगेज पूरा रख सकते हो, हमने यहाँ रखा हुआ है. और एक बैग कहाँ है, अच्छा एक बैग यहाँ पर है. एंड ऐसे करके आप लगेज रख सकते हो, बहुत ज़्यादा हैवी सामान है तो यहाँ रख सकते हो. एंड हमारी सीट ये वाली है, सो दीज फोर ये हमारी सीट्स है. और इसमें यहाँ पे आप रख सकते हो, यहाँ भी लाइट जलती है, अभी इन्होंने कट ऑफ कर रखा है. एंड हम मैकडी लेके आ चुके हैं, यहाँ पे बैठेंगे और ये ऐसे ओपन हो जाएगी अगर खाना खाना हो तो. आराम से अभी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है हमारा. सीट्स आर लाइक दिस, सीट्स आर कंफर्टेबल आई थिंक. कंफर्टेबल सीट्स है भाई, मज़ेदार रिक्लाइन भी हो जाते हैं आई थिंक. सो गाइज अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें. चलिए अब आपको टोरंटो में मिलते हैं.